हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल एट डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से लड्डू बनाने वाले हैं, वो भी बिना चीनी यूज़ किए है। तो चलिए जल्दी से झटपट से बना के रेडी करते हैं। 5 मिनट लगते हैं बस इन लड्डू की रेसिपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से लड्डू बना के हम रेडी करते हैं। और ये देखिए, स्वादिष्ट और सेहतमंद लड्डू बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये लड्डू ऐसे है ना कि ये पर डे भी अगर एक लड्डू खाया जाए ना तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, बहुत फ़ायदा करते हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम खजूर ले लेंगे और खजूर को इस तरह से, ये देखिए मैंने जितने बीज होता है ना वो मैंने इसका हटा दिया है सारे। जो खजूर मैंने एक बड़ा कप खजूर लिया हुआ था, और साथ में ये मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, थोड़ा सा किशमिश, और साथ ही साथ ये देखिए मैं यहाँ पे गरी का लच्छा यूज़ कर रही हूँ। आप बूरा लच्छा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहला स्टेप हमें करना है, इन सभी चीज़ों को हम भूनेंगे थोड़ा सा देसी घी में। तो देसी घी थोड़ा सा डालकर, और सबसे पहले हम एक एक करके मैं भून रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें बादाम भूनूंगी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स मेवा को भूनने में। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें धीमी ही गैस पे इन सभी मेवा को भूनना है एक एक करके, तेज़ गैस पे हम बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे। और बादाम भूनने के बाद में देखिए सेम उसी कढ़ाई में घी भी था, मैंने उसमें काजू डाल दिए हैं। तो बस काजू को भी हम धीमी गैस पर ही भूनेंगे। और जब इस तरह से मेवा भूनते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से भून के रेडी हो जाती है। और मैं उसके बाद में मैं यहाँ पे गरी, और गरी का जो मैंने लच्छा लिया हुआ था, और किशमिश, वो मैं एक साथ ही इन दोनों को फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ। तो बस थोड़ा सा इस तरह से मैंने हल्का सा चलाया और ये देखिए बढ़िया से भून के रेडी हो गए हैं। तो इन सभी मेवा को अलग प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें देसी घी डाल के, घी भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा एक चम्मच घी बस यूज़ होगा। और अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पे मैंने खजूर इसमें डाल दिए हैं, तो इन खजूर को हमें भून लेना है और सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे जैसे ये थोड़ा सा भून के रेडी होंगे ना। ये देखिए कितने बढ़िया एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं ना देखने में। तो भी थोड़ा सा हम इनको ठंडा कर लेंगे, और इनको ठंडा करने के बाद में हमें क्या करना है, खजूर को भी हम पीसना है, और साथ में ये जो मेवा हमने ली हुई थी इसमें से जो गरी और किशमिश है उसे हम नहीं पीसेंगे, बाकी जो काजू और बादाम हमने लिए हुए थे उनको हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप देख रहे होंगे टुकड़े भी मैंने इसके कर लिए हैं। तो अभी बस खजूर को पीस के रेडी किया, साथ में ये मैंने जो दरदरा इसको पीसा हुआ था काजू और बादाम वो इसमें डाल दिए, और बस ये गरी का लच्छा और किशमिश मैंने इसमें डाल दी, और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। तो बस अब छोटे छोटे से, आप छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, जैसे भी आपको पसंद हो आप अपने साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। और ये देखिए मैं इतने छोटे छोटे से ये लड्डू बना के रेडी कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सबसे जो इस लड्डू की खासियत है, इन लड्डू में सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें किसी तरह की भी चीनी यूज़ नहीं होती है, बिना चीनी के ये लड्डू बनके रेडी हो जाते हैं। आपने घी की क्वांटिटी भी देखी होगी, बिल्कुल मामूली सा घी इसमें यूज़ होता है। तो सेहतमंद तो है ही, क्योंकि चीनी यूज़ नहीं हो रही है, ना ही इसमें गुड़ का यूज़ हो रहा है। तो और साथ ही साथ जो ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाले हैं, और डेट्स तो वैसे ही फ़ायदा करता है, अगर लोग कह देते हैं कि पर डे अगर डेट्स खाया जाए तो बहुत फ़ायदा करता है। तो बस जिन लोगों को डेट्स अगर नहीं भी पसंद है तो वो इस तरह से लड्डू बना के खा सकते हैं, और ये लड्डू तो बेशक सभी को पसंद आएंगे। जो लोग डेट्स नहीं भी खाते हैं ना उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और छोटा मोटा जो शरीर में हम लोग के दर्द रहता है ना वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी फटाफट ये लड्डू बना के रेडी कर लीजिए। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मेरी रेसिपी को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल एट डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।